नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि नोटिस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो नोटिस होता है वो होता क्या है? नोटिस होता है कि एक सूचना जो मतलब पब्लिक को या स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको या अपने सोसाइटी के जो मेम्बर होते हैं उनको लिखा जाता है। तो जो नोटिस होता है इसको कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? तो स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बोर्ड वगैरह, कोई क्लब, सोसाइटी वगैरह इस्तेमाल करती है। इसके अलावा क्यों यूज होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है टू इन्फॉर्म पब्लिक या पीपल के लिए फॉर वेरियस इवेंट्स एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बहुत सारी इवेंट्स को या पब्लिक को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। नोटिस जो होता है ये 4 से 5 मार्क्स का स्कूल मतलब स्कूल लेवल पे आता है, तो 9th, 10th, 11th, 12th सब में मतलब आ सकता है। तो जो नोटिस होता है ये होता क्या है? तो मान लो कि स्कूल के अंदर मान लो हमें स्पोर्ट डे मनाना है, तो उसके लिए जो हमारे क्लास टीचर्स होते हैं, तो अगर टीचर्स मान लो कोई टीचर से अगर वो पूरे क्लास में घूम घूम के हर बच्चे को ये बताए कि हमारे स्कूल में इतने तारीख को स्पोर्ट डे है, ये कार्यक्रम है, तो हर क्लास में जाके बताना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए उस कठिनाई से बचने के लिए कि हर हर क्लास में जाएं बोलें एक एक विद्यार्थी को, इसमें बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत सारा परिश्रम लगता है और समय वेस्ट भी होता है और कुछ मतलब ज़्यादा मतलब मेहनत है। तो इसलिए हमने एक नोटिस लिखते हैं, उसको स्कूल के जो नोटिस बोर्ड होता है या प्रिंसिपल के पास ऑफिस में जो नोटिस बोर्ड होता है या क्लास में भी नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे हम चिपका देते हैं या स्कूल के बाहर लगा देते हैं। तो विद्यार्थी अपने पढ़कर पता कर लेते हैं कि इतने तारीख को कौन सा प्रोग्राम स्कूल में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए हम नोटिस जो है लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा नोटिस का फॉर्मेट। तो नोटिस का जो फॉर्मेट है वो ये होता है कि सबसे पहले ना नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, क्लब विद कैपिटल लेटर, मतलब यहाँ पर कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या क्लब के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है उनका नाम। तो यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, यानी जो सूचना को जारी कर रहा है उस एजेंसी का नाम आएगा, वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे एक लाइन छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर हम कैपिटल में नोटिस लिख देते हैं बड़ा बड़ा और थोड़ा आकर्षक गाढ़े कलम से, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा ही आकर्षक लगे और थोड़ा खुला लगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लेफ्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ इशू, मतलब जो ये नोटिस है जिस दिन जारी हुआ है उस दिन का मतलब डेट लिख देते हैं। डेट लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर एक अगली ही लाइन से, इस लाइन को छोड़कर अब अगली लाइन से लिख देते हैं टाइटल और हेडिंग, यानी यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि को किस विषय में हमें ये नोटिस लिखना है। ये कोई भी विषय हो सकता है, स्पोर्ट डे, एनुअल डे, एनवायरनमेंट डे, ठीक है, कैंप, टूर, ठीक है, बहुत बहुत चीज़ें हो सकती है इसमें। तो अगला, अब नोटिस के आगे हम यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए? कंटेंट में आपको लिखना चाहिए जैसे इवेंट कि कौन सी मतलब यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है, घटना होने जा रही है, डेट लिखना चाहिए, प्लेस लिखना चाहिए और टाइम लिखना चाहिए, यानी तारीख, स्थान और समय, करेक्ट समय। ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहिए। अगर हम स्कूल लेवल पर लिख रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट, अगर हम सोसाइटी के लिए अपने मेम्बर के लिए लिख रहे हैं तो ऑल द मेम्बर्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों या सभी सदस्यों को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल या कॉलेज या क्लब या इंस्टीट्यूशन हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा स्कूल, कॉलेज वगैरह जो है मतलब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम या फंक्शन या कोई फेस्टिवल, मतलब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा तो हम यहाँ पे प्रोग्राम, फंक्शन या फेस्टिवल का नाम लिख देंगे, कैंप लिख देंगे,
कैंप होगा तो कैंप, टूर होगा तो टूर, या एजुकेशनल टूर होगा तो वो लिख देंगे, और क्विज होगा तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कितने तारीख को होगा। तो मान लेते हैं कि ये उसी महीने होगा, अगर आपने यहाँ जो तारीख दी है जैसे 18 मई, तो इसी के 5-6 दिन आगे लिखना है यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आपने मई लिखा है तो यहाँ भी आप लिख दो 25 मई, ठीक है। वहाँ पे मैंने 2016 लिख दिया तो यहाँ भी आप 2016 ही लिख लेना, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे आ जाएगा टाइम, मान लो ये कितने बजे कोई प्रोग्राम है, मान लेते हैं 8 बजे से 10 बजे है। फिर वेन्यू माने स्थान, यानी कहाँ पे होगा ये प्रोग्राम, तो लिख देंगे स्कूल असेंबली हॉल या स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल हॉल, और भी कोई जो हमारे आसपास का हो वो। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर फर्दर डिटेल, मतलब और अधिक जानकारी के लिए या अतिरिक्त जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडर साइन, तो कृपया संपर्क करें अंडर साइन। अंडर साइन होता है अंत में जो हस्ताक्षर कर रहा है, यानी ये जो जिसके साइन है इसको बोलते हैं अंडर साइन, यानी इस व्यक्ति से संपर्क करें, जो मतलब ये अंत में हस्ताक्षर करने वाला होता है, ये जारी करता है लेटर को, तो इससे संपर्क करें। तो इसको बोलते हैं नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो इसने सूचना जारी की है ये उसका नेम, यानी यहाँ पे उसका सिग्नेचर आता है, और फिर उसका डेजिग्नेशन या पोस्ट आता है, यानी उसका एक पद आता है, पद या जो निर्देश जारी करता है उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन। ये हेड बॉय हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, मैनेजर हो सकते हैं, जो भी जारी कर रहा है स्कूल का कोई टीचर वो भी हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि ये सब लिखने के बाद आपको बक्से में जरूर ऐसे बंद कर देना ये फॉर्मेट। तो ये आप फॉर्मेट है आपका, बिल्कुल आप यहाँ से देख लें तो ये फॉर्मेट है, बक्से में बंद होना चाहिए, और जो शब्द होते हैं उसके अंदर आपको लिमिट जो है 50 से 60 शब्दों में लिखनी चाहिए। और इसको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म वगैरह या जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड थर्ड पर्सन, इनका बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत कम होता है। और इसके बाद इसमें ये भी ध्यान रखते हैं, इसमें टेंस का यूज नहीं करते हैं, इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भाषा एकदम मतलब फॉर्मल होनी चाहिए, एकदम मतलब पोलाइटनेस होनी चाहिए इस भाषा में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं जहाँ से आपको क्लियर करेंगे बहुत अच्छे कंसेप्ट। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको समझाने के लिए, तो मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। कहता है यू आर मोहित, आप मोहित हो या मीटा ना मीता हो, हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी आपके स्कूल का नाम हो गया लखनऊ से। कहता है कि यूअर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, आपका स्कूल मनाने जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, और वो भी 5 जून 2016 को, 5 जून 2016 को मना रहे हैं। डेट ऑफ डेट ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू ब्रिंग 2 सैपलिंग्स फ्रॉम इच क्लास, तो आपको कहता है एक नोटिस लिखिए जिसमें सभी विद्यार्थियों को ये सूचना दीजिए कि वो हर क्लास का बच्चा जो है वो 2 सैपलिंग्स लाएगा, यानी 2-2 छोटे पौधे लाएगा, ठीक है। सैपलिंग्स माने छोटे पौधे। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी इसमें शामिल कीजिए, और डू नॉट एक्सीड्स 50-60 वर्ड, और 50 और 60 शब्दों से ज़्यादा मत लिखिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो इसी क्वेश्चन में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे कौन जारी कर रहा है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल जारी कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ, फिर यहाँ पर नोटिस लिख देंगे, फिर यहाँ तारीख लिख देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसने 5 जून बोला था तो कुछ दिन पहले लिख दो आप, ठीक है, 10-12 दिन पहले। फिर यहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाती है कि वन एनवायरनमेंट डे पे लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दो सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसके बाद आपको और यहाँ पे डिटेल मिल जाती है कि सब क्लास के विद्यार्थियों को 2 छोटे पौधे लाने हैं, तो यहाँ पर आप उसकी भी जानकारी भर सकते हो। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, तो लिख देंगे स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विल बी ऑब्जर्व ऑन 5th जून 2021। वहाँ पे 2016 था तो आप 2016 ही लिख लेना, नहीं तो मैंने 2021 लिख दिया। तो लिखा है कि इन द स्कूल प्रीमाइसेस, तो
तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 2021 को हमारे स्कूल के प्रीमाइसिस माने स्कूल के भवन में होने जा रहा है या प्रांगण में होने जा रहा है। इच क्लास इज इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 स्पेगलिंग्स। प्रत्येक कक्षा को ये सूचित किया जाता है कि वो कम से कम 2 पौधे अवश्य लाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। और अधिक सूचना के लिए संपर्क करें अंडरसाइन। अंडरसाइन माने अंत में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें। तो पर्सन में हमें दे रखा था कि मोहित इसको जारी कर रहा है तो हम मोहित लिख देंगे। उसका डेजिग्नेशन दिया गया था कि वो हेड बॉय या हेड गर्ल है तो हम यहाँ पे हेड बॉय दे देंगे। लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो नोटिस है ये पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट में मतलब लिखिए। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।